दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका यूट्यूब चैनल कैसे सर्च में आएगा फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मेरा चैनल फर्स्ट सर्च में आता है और किसी भी यूट्यूबर के यदि चैनल को आप सर्च करेंगे तो उसका चैनल फर्स्ट सर्च में आता है। अब दोस्तों क्यों आता है, कैसे आता है, तो पूरा तरीका मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यदि आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग खुद मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल सबसे ऊपर आपको सर्च में आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों कैसे आता है सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज एंड टेक्स रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका चैनल सर्च में कैसे आएगा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, और सबसे पहले तो यूट्यूब पर ही। तो फ्रेंड्स, जनरली आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, इसका बड़ा कारण ये है कि यदि आपके चैनल के नाम जैसा किसी और यूट्यूबर का पहले से चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपका चैनल जल्दी सर्च में नहीं आएगा। हाँ, आपका चैनल सर्च में कब आएगा, जब आपका चैनल उस बंदे के चैनल से ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, ज़्यादा रैंक कर जाएगा, आपके सब्सक्राइबर उस बंदे के चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपका चैनल सर्च में आएगा। लेकिन यदि आप लोग सोचते हैं कि आपका चैनल सर्च में आए, तो फ्रेंड्स अब आपका चैनल सर्च में कैसे आएगा उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके चैनल का नाम चेंज कर। तो फ्रेंड्स इस बार आपको जो चैनल का नेम है, तो फ्रेंड्स आपको एक ऐसा नाम रखना है जो कि यूट्यूब पर नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी अपने चैनल का नाम रखना है, तो पहले जो आपके दिमाग में आइडिया आया कि मेरे चैनल का नाम ये होना चाहिए, तो पहले उस नेम को आपको सर्च करना है यूट्यूब पर। जैसे कि अगर मुझे अपने नए चैनल का नाम रखना है रामकृष्ण ब्लॉग्स 2022, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, तो यदि ये चीज़ मैं सर्च करता हूँ और देखिए तो कोई भी चैनल दोस्तों ऊपर नहीं आता, ठीक है ना। ये मेरा वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मेरा एक चैनल और है रामकृष्ण ब्लॉग के नाम से, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी चैनल जो है ऊपर नहीं आता, ठीक है। और यदि आप लोग जो भी नाम अपने चैनल का रखना चाहते हैं, तो पहले उस नाम को यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है, कि कहीं इस नाम का चैनल ऑलरेडी बना तो नहीं है। और सर्च करना है आपको, चाहे आप छोटा नाम लिखें या बड़ा नाम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगा टैग अपडेट 2022, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चैनल इस नाम का नहीं है, ये सिर्फ वीडियो आ रहा है टैग से रिलेटेड, लेकिन जो चैनल है इस नाम का अभी भी कोई चैनल नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो जो भी अपने चैनल का नाम रखना चाहते हैं, उस नाम को पहले आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, और अपने चैनल का एक अच्छा सा नाम रखना है और यूनिक नाम रखना है, ठीक है ना, यानी कि यूट्यूब पर वो नाम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों चैनल का नाम चेंज कैसे करते हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। और अभी वीडियो को छोड़कर मत चले जाना मेरे भाई, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड आपको कुछ और सेटिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर उस नेक्स्ट सेटिंग की ओर, कि आपको अपने चैनल को सर्च में लाने के लिए क्या क्या अभी करना बाकी है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने होम स्क्रीन पर। फिर यहाँ से दोस्तों अब जाना है मुझे क्रोम ब्राउज़र पर, ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है ना। और क्रोम ब्राउज़र इसे डेस्कटॉप साइट पर खोल लेना है, और डेस्कटॉप साइट पर खोलने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर लेना youtube.com, या फिर आपके इस पेज पर लोगो हुआ यूट्यूब का, तो आपको इस पर जाना है, और इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर आपको यहाँ लोगो पर जाना है अपने चैनल के कोने पर या राइट साइड, तो इस पर जाएंगे। फिर यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है योर चैनल का, तो आपको इस पर जाना है, और योर चैनल पर जाने के बाद और इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर आपको कस्टमाइज चैनल पर जाना है, और कस्टमाइज चैनल पर जाने ये पेज ओपन होता है, तो आपको करना कैसे, थोड़ा सा जूम करना है, और जूम करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक सेटिंग है, तो सेटिंग पर जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर आपको चैनल पर जाना है, और चैनल पर जाने के बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर कीवर्ड्स का ऑप्शन है, आप लोग जूम करके देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है कीवर्ड्स का, तो आपको इस कीवर्ड्स पर आना है। और हालांकि आप लोग यहाँ पर कंट्री भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए RK2 टैग है मेरे चैनल का नाम, तो सबसे पहले जो मेरे चैनल का नाम है मैंने वो डाल दिया है, और अपने चैनल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, देखिए RK2 टैग एंड RK2, फिर टैग, फिर RK2 टैग गैफ दिया, फिर स्पेस अपना नाम लिख दिया है, और अपने यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, ठीक है ना। खासकर दोस्तों तो फ्रेंड्स यदि आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, तो यही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपका चैनल है तो उस चैनल का नाम
आपको यहाँ पर कई तरह से लिख देना है, सीधा भी और उल्टा भी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपका चैनल सर्च में आने लगता है। जब आप लोग अपने चैनल का कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये इंटरनेट है और इस पर आपके चैनल के बारे में सब कुछ अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं करना है, आपका चैनल 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका चैनल सर्च में ज़रूर आएगा, ठीक है ना।